हेलो फ्रेंड्स, सारा कुकोस में मैं शबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम होली स्पेशल शाही टुकड़ा बनाएंगे जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर शाही टुकड़ा बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस पैन में 1 लीटर जितना फुल क्रीम दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध में पहले हम उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, अभी मैं इसे एक बार अच्छे से स्टर कर लूंगी। अभी मैं इसमें 1 कप जितना मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर की जगह आप खोया का भी यूज कर सकते हो ताकि ये रबड़ी जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। अच्छे से मिला लेंगे इसे। इसमें एक विस्क की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इस मिल्क पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। अभी मैं इसमें ये रबड़ी हमारी अच्छी दानेदार दिखे, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से मिक्सर में बारीक करके लिया है। इससे हमारी रबड़ी बहुत ही दानेदार दिखेगी। इसे भी इसमें डाल देती हूँ और इससे एक अच्छा गाढ़ापन भी इसमें आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अच्छे से मिला लेती हूँ और एक बार, और अभी हम इसे अच्छे से गाढ़ा होने देंगे। बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं बनाना है हमें। ये दूध की क्वांटिटी हाफ तक रिड्यूस हो जाए इतना हमें इसे पका लेना है। जब तक हमारी ये रबड़ी अच्छे से गाढ़ी हो रही है तब तक हम यहाँ पर शाही टुकड़े के लिए एक चाशनी तैयार करके ले लेंगे। तो उसके लिए मैं अभी इसे दूसरी गैस पर शिफ्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर मैंने ये दूसरा पैन रख दिया है। अभी मैं इसमें 1/2 कप दूध डाल रही हूँ और 1/4 कप जितना चीनी भी डाल दूंगी। और अभी हम इस चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। नॉर्मली ये चाशनी पानी के साथ बनाई जाती है, पर इसे ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर दूध का यूज़ कर रही हूँ। चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो रही है। अभी मैं इसमें 1 हरी इलायची को इस तरह से कूट के रखा है, इसे इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से मिला लूँगी इसे भी। और 2 से 3 ड्रॉप्स येल्लो फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अच्छे से मिला लेती हूँ एक बार। चाशनी को हमें हल्का गाढ़ा होने तक पका लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे हम इसे। तो देखिए, ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। अभी मैं इसे यहाँ से हटा दूंगी और यहाँ पर हम ब्रेड स्लाइसेस शालो फ्राई करके ले लेंगे। पैन में मैंने 3 टेबलस्पून जितना घी गरम होने के लिए रख दिया है। इसे अच्छा गरम होने देंगे। घी यहाँ पर अच्छे से गरम हो चुका है। अभी हम यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई होने के लिए डाल देंगे। किनारे कट कर लिए मैंने इसके। अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे और क्रिस्पी भी हो जाएंगे तब तक। ब्रेड स्लाइसेस फ्राई करने के लिए देसी घी का ही यूज करें, तेल का यूज नहीं करना है। तेल का यूज करने से इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। जैसे ही हमें लगेगा कि ये साइड से ब्राउन हो रहे हैं तब हम इसे पलट लेंगे। दोनों साइड से हम इसे अच्छा गोल्डन कलर आने देंगे। हमें इसे पलट पलट कर फ्राई करते रहना है। अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अभी मैं इसे निकाल लूंगी और इसी तरह से मैं बाकी ब्रेड स्लाइसेस भी फ्राई करके ले लूंगी। तो देखिए, जब तक हमें ब्रेड स्लाइसेस फ्राई कर रहे थे और चाशनी बना रहे थे तब तक ये रबड़ी भी हमारी काफी गाढ़ी हो गई है, पर मैं इसे और थोड़ा गाढ़ा होने दूंगी। उसके बाद हम बाकी की चीजें इसमें ऐड करेंगे। इसे मैं बीच बीच में स्टर करती रही हूँ ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अगर आपका पूरा ध्यान चाशनी और ब्रेड स्लाइसेस फ्राई करने में रहेगा तो ये रबड़ी नीचे से जल सकती है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड स्लाइस और मिल्क पाउडर का भी यूज किया है। तो यहाँ पर इसका हमें बराबर ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रबड़ी काफी थिक लग रही है। अभी मैं इसमें 1/4 कप जितना चीनी डाल रही हूँ। चीनी की क्वांटिटी आप अपने पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी मैं इसमें थोड़े से केसर के धागे भी डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें 3 से 4 हरी इलायची को बारीक कूट के रखा है, इसे भी इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से मिला लूंगी इसे भी। अभी मैं इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम डाल रही हूँ, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू भी डाल देती हूँ और थोड़े से पिस्ते भी डाल रही हूँ। अच्छे से मिला लेंगे इसे भी।
आखिर में थोड़ा सा ये फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, 4 से 5 जितना फूड कलर मैंने यहाँ पर यूज किया है। अच्छे से मिला लेती हूँ इसे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसमें। रबड़ी बनके तैयार है, गैस में अभी बंद कर देती हूँ और अभी मैं रबड़ी को थोड़ा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद हम इसे एक प्लेट में असेंबल करेंगे। ये रबड़ी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है, पूरी तरह से ठंडी नहीं है, बस हल्का सा ठंडा कर लिया है मैंने इसे। अभी मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालूंगी, थोड़ा सा ही निकालूंगी शुरुआत में बेस के लिए। अभी मैं इसके ऊपर जो हमने ब्रेड फ्राई करके रखा था इसे इसके ऊपर रख रही हूँ। अभी मैं इसके ऊपर जो हमने दूध की चाशनी बना के रखी थी इसे डाल देती हूँ इसके ऊपर। चाशनी को मैंने इस बाउल में निकाल लिया है। अभी मैं और एक बार ये रबड़ी डाल रही हूँ। आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं इसके ऊपर थोड़े से काजू डाल रही हूँ कटे हुए, थोड़े से बादाम भी डाल रही हूँ, थोड़े से पिस्ता के स्लाइसेस, थोड़े से काजू भी लगा रही हूँ। इसे मैंने सिर्फ 2 टुकड़ों में करके रखा है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल रही हूँ। सबसे आखिर में थोड़ा सा ये चांदी का वर्क भी लगा रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है ये। आप मेरे सारे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने सारा कुक हाउस के नाम से पेज बनाया है, तो उसे भी प्लीज लाइक कर दीजिए। अभी मैं इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख दूंगी ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए 1 से 2 घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से ठंडा हो गया है, शाही टुकड़ा ये तैयार है। तो हमारा ये बहुत ही टेस्टी होली स्पेशल शाही टुकड़ा बनके तैयार है, तो आप भी इसे जरूर बनाइए। और ज़्यादा रेसिपीज़ के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarahcookhouse.com और अभी आप हफ्ते में 2 दिन मतलब थर्सडे और फ्राइडे 2 रेसिपीज देख पाएंगे। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।